नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, चंपई सोरेन होंगे मुख्यमंत्री। ईडी की टीम बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे हेमंत सोरेन के आवास पर कथित जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ करने पहुंची थी। हेमंत सोरेन से जांच एजेंसी ने करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किया। लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे और झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन विक्ट्री साइन दिखाते हुए राजभवन पहुंचे, वहीं विधायकों की गाड़ी को राजभवन के बाहर ही रोक दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है कि हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी वो हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राजभवन के बाहर हलचल बढ़ गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार। रांची जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन की कस्टडी के लिए ईडी गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश करेगी। ईडी हेमंत के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ अदालत का रुख करेगी। ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत ने बुधवार की देर शाम राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। हेमंत के इस्तीफे के तुरंत बाद महागठबंधन ने 43 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इधर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर बुधवार की रात अपने दफ्तर ले गई। हेमंत सोरेन को रात तकरीबन 8:30 बजे राजभवन पहुंचे थे। रात 8 बजे हेमंत सोरेन ने सत्तापक्ष के विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद चंपई सोरेन को नेता विधायक दल के तौर पर चुना गया। हेमंत सोरेन के बाद अब चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामला, अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़। रांची के जेएसएससी कार्यालय के बाहर बुधवार को आक्रोशित छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की गाड़ी में आक्रोशित छात्रों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस की लाठीचार्ज में छात्र जख्मी भी हुए हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ बड़ी संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि 28 जनवरी को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हुई थी। पहले ही दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया था। वहीं तीसरे पेपर की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप लगाया था। अभ्यर्थियों के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गंभीरता से लिया गया। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की पेपर परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज झारखंड बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संघ ने गुरुवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को बुधवार की रात को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। बुधवार को जब हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई, उसके पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मोराबादी मैदान में पहुंच गए थे। ये लोग केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगा रहे थे। झाउमो समर्थकों ने राजभवन मार्च की तैयारी की थी, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। हेमंत सोरेन से ईडी ऑफिस मिलने पहुंची कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंच गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची के बड़गाई में दस्तावेजों में हेर फेर करके जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए। दो बार पूछताछ हुई, दूसरी बार बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में घंटों पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजभवन के बाहर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इससे पहले चर्चा यह थी कि हेमंत सोरेन अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं, लेकिन अपने मंत्रिमंडल के प्रमुख चेहरे चंपई सोरेन पर उन्हें विश्वास जताया है। झारखंड बंद को देखते हुए सभी थानों को रखा गया अलर्ट। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में 1 फरवरी को समस्त आदिवासी मूलवासी संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। बंद को देखते हुए देवघर जिले में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संदर्भ में CCR DSP आलोक रंजन ने बताया है कि सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं एक्स्ट्रा फोर्सेस मुहैया कराए गए हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से त्वरित गति से निपटा जा सके। वहीं कंट्रोल रूम में
टीयर गैस व क्यूआरटी को तैयार मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कंट्रोल रूम के समीप जवानों के साथ बस तैयार रखा गया है ताकि किसी तरह की सूचना पर पुलिसकर्मी वहां तुरंत पहुंच सके। नगर थाना क्षेत्र में विशेष फोर्स के साथ जवानों को चौक चौराहों में तैनाती होगी। उल्लेखनीय है कि रांची स्थित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बंद का आह्वान करते हुए कई संगठनों के शामिल होने की सूचना दी गई है। बाबूलाल बोले, हेमंत सोरेन की FIR फर्जी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने SC/ST थाना में हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराए गए FIR पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ED के कुछ अफसरों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत SC/ST थाना में FIR दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन इतना डरे हुए हैं कि अपना शुद्ध बुद्ध भी खो चुके हैं और जो उनके लिए काम कर रहे हैं वे भी अपना शुद्ध बुद्ध खो चुके हैं। FIR की पहली पंक्ति में ही गलतियां हैं। FIR के अनुसार हेमंत सोरेन अपने आप को साहिबगंज विधानसभा का विधायक बता रहे हैं, लेकिन झारखंड में साहिबगंज नाम की कोई विधानसभा सीट नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि FIR ही फर्जी है, क्योंकि हेमंत सोरेन को अपनी विधानसभा सीट बरहेट की जगह साहिबगंज बताना FIR के फर्जीवाड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि FIR पूरी तरह से फर्जी है। 3 बसों में सवार होकर राजभवन पहुंचे थे विधायक। राजभवन में सिर्फ 5 विधायकों को ही अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन सत्ता पक्ष के लगभग 45 विधायक 3 बसों से वहां पहुंच गए थे। बस को राजभवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया गया था। कहा गया कि अनुमति नहीं है, सिर्फ चंपाई सोरेन, आलमगीर आलम, सत्यान्न भोक्ता, प्रदीप यादव व विनोद सिंह को जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद विधायक राजभवन के गेट पर ही हंगामा करने लगे। इससे पहले 2 बसों में सवार होकर सत्ता पक्ष के विधायक राजभवन पहुंचे थे। राजभवन पहुंचने के बाद गेट पर ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। यहां देर तक हो हंगामा होता रहा, वही सुरक्षा कर्मी भी अड़े रहे। गोड्डा के पोडियाहाट स्कूल मामले में हमलावर शिक्षक की मौत। पोडियाहाट के अपग्रेड हाई स्कूल चतरा में प्रेम प्रसंग मामले में हुए गोलीकांड में घायल शिक्षक रवि रंजन की मौत मंगलवार की देर रात हो गई। मायागंज भागलपुर में इलाजरत रवि रंजन को बेहतर उपचार के लिए सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी जान चली गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम भागलपुर के मायागंज में हुआ, अंतिम संस्कार भी भागलपुर में कर दिया गया। गोलीकांड के आरोपी शिक्षक की मौत की पुष्टि थाना प्रभारी चारा चंद्र ने की है। मालूम हो कि हत्यारोपी शिक्षक रवि रंजन ने शिक्षक आदर्श सिंह व शिक्षिका सुजाता कुमारी को गोली मारने के बाद खुद को भी सिर में गोली मार ली थी। झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन द्वारा इस्तीफा देने तथा ED द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद अब लोगों की निगाहें राजभवन पर टिक गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तार होने तथा चंपाई सोरेन द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद राज्यपाल ने फिलहाल देर रात तक सरकार बनाने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसे में राज्य के मुखिया को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है। फिलहाल राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल की ओर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में भी किसी को मनोनीत नहीं किया गया। ऐसे में अब राजभवन का अगला कदम क्या होगा? क्या राज्यपाल विधायकों का परेड कराने के बाद चंपाई सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे? अगर सरकार बनाने में भी देरी होती है तो इस दौरान राज्य में संवैधानिक संकट दूर करने के लिए राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, यह राज्यपाल पर ही निर्भर है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लिया जायजा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 3 फरवरी को पूर्वी टुंडी के हलकट पगला मोड़ में राहुल गांधी के प्रस्तावित रात्रि विश्राम को देखते हुए वरीय आरक्षी अधीक्षक HP नरायण और अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक बुधवार को स्थल का जायजा पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण SP कपिल चौधरी, DSP राजेश कुमार, स्थानीय थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक ने मैदान की चौहद्दी के अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग आदि की जानकारी ली है। CM के पद से इस्तीफा देने के पूर्व ही विधायकों के नाम छोड़ गए थे चिट्ठी हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पूर्व ही हेमंत सोरेन विधायकों के नाम पत्र लिखकर छोड़ गए थे, जिसे देर रात उन्होंने अपने X हैंडल पर जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि आप अवगत हैं कि दिनांक 30/1/2024 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी।
सोरेन ने लिखा है कि बुधवार को ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सम्यक विचरा उपरांत चंपाई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। ईडी अफसरों पर हेमंत सोरेन ने एससी एसटी के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के उपर निदेशक सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ रांची स्थित एससी एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल को व अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एसआई दीपक कुमार राय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दर्ज प्राथमिकी में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट से मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली के शांति निकेतन स्थित आवास से नीले रंग की बीएमडब्ल्यू कार और रुपए जब्त किए गए हैं। इसे मेरा बताया जा रहा है लेकिन बरामद कार और रुपए मेरे नहीं हैं। चंपाई सोरेन के गांव में जश्न, मांदर की थाप पर थिरक रहे लोग। चंपाई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। इन्हें बुधवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन को राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा। इसी बीच चंपाई सोरेन के गांव जिलीग गोड्डा में जश्न का माहौल है। मांदर की थाप पर महिला पुरुष नाच रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में ईडी ने सीएम आवास में लंबी पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को 10 समन पूछताछ के लिए भेजा गया था। 10वें समन पर उनसे दूसरी बार पूछताछ की गई है। रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस से 52 लाख नगद के साथ युवक गिरफ्तार। रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस से 52 लाख की बेहिसाबी नकदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अजय कुमार वर्मा 35 वर्षीय है। वह कुम्हारपट्टी गोल बिल्डिंग धनबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। आरपीएफ और कस्टम विभाग के अधिकारी उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी को उस वक्त पकड़ा गया जब वह हावड़ा स्टेशन के ओल्ड कॉम्प्लेक्स के 8 से 9 नंबर प्लेटफॉर्म के मध्य स्थित बैग रोड पर खड़ा था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द। 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की तीसरी शिफ्ट की परीक्षा रद्द होने के बाद अब 28 जनवरी की तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होने की खबर है। साथ ही आने वाले रविवार यानी 4 फरवरी 2024 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। बता दें झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पहले दिन 28 जनवरी 2024 की परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक का आरोप लगाया गया। तीसरे पेपर की परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही लीक हो जाने का आरोप है। अभ्यर्थियों के आरोप को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से गंभीरता से लिया गया। इसके बाद जेएसएससी ने तृतीय पाली में संपन्न सामान्य ज्ञान की परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया था। हेमंत सोरेन की विधायकों से अपील, बोले मेरे माता पिता का रखे ख्याल। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पूर्व बुधवार को समर्थक विधायकों के नाम मार्मिक अपील जारी की है। उन्होंने आग्रह किया है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता का ख्याल रखा जाए क्योंकि वह बीमार हैं। साथ ही लिखा है कि मेरे छोटे भाई पर स्नेह बनाए रखे। विधायकों को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा गया है कि आप अवगत है कि 30 जनवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा जो सर्वमान होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर फिर फंसा पेच। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के लिए अलग से कमीशन का गठन कर दिया है। कमीशन की ओर से ओबीसी आरक्षण देने के लिए दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। धन्यवाद।